हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज जो हम बात करेंगे वो यूनिट 2 का एक बहुत इजी टॉपिक है, दैट इज़ जॉब एनालिसिस। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये टॉपिक जैसे कि मैंने कहा बहुत इजी है, ठीक है। तो जो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि बहुत इजी हैं और जहाँ से लगभग हर बार क्वेश्चन बनता है, वो एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम में नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से ही एक टॉपिक है जॉब एनालिसिस, तो इसी को स्टार्ट करते हैं। दैट वॉट इज़ जॉब एनालिसिस और यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, राइट? देखो, सबसे पहले आपको इस शब्द को देखो, जॉब एनालिसिस, यहीं से समझ में आ रहा होगा कि एनालिसिस अबाउट जॉब, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये देखना कि किसी पर्टिकुलर जॉब पे किस तरह की ड्यूटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, या फिर किस तरह की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे रहती हैं किसी पर्टिकुलर जॉब पे, या किस तरह के टूल्स का यूज़ किया जाता है, किस तरह के रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, ये सब आंसर्स, किस तरह की स्किल्स को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, किस तरह की क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, ये सब चीज़ों का जो एनालिसिस होता है, इसी को बोलते हैं जॉब एनालिसिस। सिंपल सी बात। तो ये तो हो गई बात आपके समझने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम में हमें क्या क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि जॉब एनालिसिस हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। हाँ जी, जॉब एनालिसिस हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोलती है कि ऑर्गेनाइजेशन में राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉइज होने चाहिए एट अ राइट प्लेस इन अ राइट टाइम। यही कहती है, राइट पीपल एट राइट टाइम और एट राइट प्लेस, ठीक है जी। तो ये राइट टाइप ऑफ पीपल का क्या मतलब है? राइट टाइप ऑफ पीपल का मतलब है कि जो जॉब है और जिस जॉब पे जिस तरह की स्किल्स, स्किल्ड एम्प्लॉइज की ज़रूरत है, वही स्किल्ड एम्प्लॉई उस पर्टिकुलर जॉब पे होने चाहिए। अगर ये फिट है बिटवीन द रिक्वायर्ड स्किल्स और अवेलेबल स्किल्स, तो जो है वो उसको हम बोलेंगे कि वहाँ पे जो उस कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो बेटर है। तो ये चीज़ कैसे एनालाइज किया जाती है कि इस एम्प्लॉई के अंदर ये स्किल्स हैं और ये हमें इस जॉब पे स्किल्स की ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं जॉब एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए सिर्फ अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि यस, जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसके बाद हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में देखेंगे कि इसके आगे फर्दर इसकी बाइफ्रिकेशंस क्या हैं। जैसे कि हम इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, दैट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। खैर, अभी तक आपको इस पर्टिकुलर साइड से सिर्फ ये चीज़ एक ध्यान में रखनी है। अगर आपको असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन बन जाता है कि जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो वो आंसर सही होगा। सेकंड क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि ये जो जॉब एनालिसिस है, ठीक है, इस जॉब एनालिसिस का जो प्रिकर्सर है वो है सिविल राइट्स मूवमेंट। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन में पूछ सकता है, सिविल राइट्स मूवमेंट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ, देखो बेसिकली क्या था कहानी कि इनिशियली पहले क्या था कि अगर किसी एम्प्लॉयर को, किसी ओनर को अपने एम्प्लॉइज़ को निकालना था, तो निकालने के जो रीजंस थे वो नॉन वर्क रिलेटेड रीजंस थे, वो उसके पर्सनल रीजंस हुआ करते थे, ना कि वर्क रिलेटेड रीजंस हुआ करते थे, ठीक है। तो फिर बाद में सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ, लोगों ने मिलके, एम्प्लॉइज ने, वर्कर्स ने मिलके आवाज़ उठाई कि अगर आपको किसी एम्प्लॉई को, किसी वर्कर को निकालना है, तो द रीज़न शुड बी वर्क रिलेटेड, ना कि पर्सनल रिलेटेड, और पर्सनल रीज़न नहीं होना चाहिए, द रीज़न शुड बी वर्क रिलेटेड और वर्कर रिलेटेड। इसलिए फिर जो है वो जॉब एनालिसिस को किया गया। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर जॉब पे क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या स्किल्स की रिक्वायर्ड है। अगर किसी एम्प्लॉई में वो स्किल्स लैक हैं, वो उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहा, वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बियर अप नहीं कर रहा, तो इस वजह से आप किसी भी एम्प्लॉई को निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर कोई पर्सनल रीजंस हैं, तो आपको उस एम्प्लॉई को निकालने की कोई राइट नहीं है। इसीलिए सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ, जिस वजह से फिर ये जॉब एनालिसिस का कॉन्सेप्ट भी आया। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सिविल राइट्स मूवमेंट्स लीड्स टू, और इट्स अ मेजर थ्रस्ट और टू जॉब एनालिसिस, एंड देन जॉब एनालिसिस लीड्स टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। बस ये दो चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड से ध्यान में रखनी है, राइट? इस स्लाइड में जॉब क्या होती है, ये वर्क क्या होता है, ये कहानी लिखी है। खैर, ये अगर आप पढ़ोगे बहुत ईजी है ना। एग्ज़ाम में देखो, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉमन सेंस से भी आपको आनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको एक नोट्स देके प्रॉपर पढ़ाए, ठीक है। कि जॉब क्या होती है, जॉब सिंपल सी बात होती है कि जब आप
कुछ रिटर्न में लेते हो और उसके बदले कुछ काम करते हो किसी पर्सन के लिए उसके इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे, उसको बोलते हैं जॉब या वर्क। अगर आप बदले में कुछ नहीं ले रहे तो उसको जॉब नहीं कहेंगे। बस सिंपल सी बात यही है, इसको अगर आप पढ़ोगे यू विल गेट टू नो, और बहुत ईजी है, राइट। जॉब को समझने के दो पर्सपेक्टिव्स हैं, एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और एक है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। बस आपको एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इट इज़ अ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, और जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इट इज़ अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव। दैट मीन्स इसमें जो वर्क को एक्सप्लेन किया जाता है वो इंडिविजुअल लेवल पे किया जाता है, और इसमें जो वर्क को एक्सप्लेन किया जाता है वो ग्रुप लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे किया जाता है। जैसे कि हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पढ़ते हैं, जैसे पर्सन का एटीट्यूड, पर्सन की पर्सनैलिटी, पर्सन की परसेप्शन, राइट। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, ये इंडिविजुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं। और वैसे ही ग्रुप लेवल पे या उस पे क्या हो जाएगा, ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप स्टेजेस, फॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल ग्रुप्स, स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये सब क्या है, ये है ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव। बस ये अगर आपको समझ में आता है तो बस इतनी कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए। खैर, अब एग्जाम के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड्स स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती हैं, दैट इज़ जॉब एनालिसिस। तो जैसे कि मैंने कहा, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स जॉब रिलेटेड नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए व्हाट आर द रिक्वायर्ड स्किल्स, व्हाट आर द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड व्हाट आर द रिक्वायर्ड एबिलिटीज, ठीक है। तो जितने भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट हो, सिलेक्शन हो, ट्रेनिंग हो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो, ये सब चीज़ें जॉब एनालिसिस के बाद ही आती हैं, समझ गए नाउ। तो किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो, जैसे कि अभी हमने पढ़ा इट्स अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो वर्क एक्टिविटीज़, वर्कर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, व्हाट आर द मशीन्स टूल्स यूज्ड इन द जॉब, जॉब रिलेटेड टेंजिबल्स, वर्क परफॉर्मेंस, जॉब कॉन्टेक्स्ट, पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, ये आपको एग्जाम के लिए ध्यान में नहीं रखना है, बस इसको एक बार पढ़ना है ताकि आप जॉब एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को इनग्रेन कर पाओ कि ये है क्या। एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। एग्जाम के क्या याद रखना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जॉब एनालिसिस में हम दो चीज़ें करते हैं, एक जॉब डिस्क्रिप्शन और एक जॉब स्पेसिफिकेशन, राइट, क्लियर। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, इस स्लाइड से आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम बार बार इन दो टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन मींस जब आप किसी जॉब के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करो, जब आप किसी जॉब के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करो, उसके फीचर्स के बारे में बात करो, जब आप किसी जॉब को डिस्क्राइब करो, दैट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन। जैसे कि जॉब का टाइटल क्या है, जॉब की लोकेशन कहाँ है, जॉब समरी, दैट मीन्स कि जॉब से रिलेटेड जो भी छोटी चीज़ें हैं कि उसकी पोजीशन क्या रहेगी, हायरार्की में क्या रोल उसका रहेगा, जॉब ड्यूटीज़ क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखोगे आप इस वर्ड को, ध्यान में रखना। अभी आपको एक मिनट में बताऊंगा कि क्यों इस वर्ड को ये ध्यान में रखना है। तो जॉब के ऊपर क्या ड्यूटीज़ हैं आपकी, वो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में आएगा। व्हाट आर द मशीन्स टूल्स इक्विपमेंट्स जो कि उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, मटेरियल का यूज़ होगा, सुपरविज़न उस जॉब पे आप सुपरविज़न देना है या उस जॉब पे सुपरविज़न टॉप मैनेजमेंट से रखा जाएगा, वर्किंग कंडीशंस क्या रहेंगे उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, व्हाट आर द हज़ार्डियस कंडीशंस ओवर देयर, तो ये सब चीज़ें डिस्क्राइब करेंगी जिसको हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। तो फिर जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए अगर एक वर्ड आपको वहाँ पे मिल जाएगा तो वहीं से आप इसको टिक कर दोगे कि दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन, दैट इज़ क्वालिफिकेशंस। तो ये जो भी हमने जॉब डिस्क्रिप्शन में देखा, जो भी करेक्टरिस्टिक्स देखे, इस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं उसके बारे में जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। जैसे कि एजुकेशन लेवल क्या चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, राइट। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बहुत ध्यान में रखना है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब इन दोनों वर्ड्स को ध्यान से समझ लो, एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कि ड्यूटीज़ दैट मीन्स जॉब ड्यूटीज़ किसका पार्ट है, जॉब डिस्क्रिप्शन का, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसका पार्ट है, जॉब स्पेसिफिकेशन का। अगर ये दो चीज़ें क्लियर हैं आप और इसकी डेफिनेशन क्लियर है, आराम से आप वहाँ पे क्वेश्चन निकाल पाओगे, ठीक है, क्लियर, आगे चलें, ओके।
जैसे कि मैंने कहा, जॉब एनालिसिस के बाद ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो स्टार्ट होते हैं. जैसे कि इट लेड द फाउंडेशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, फॉर एम्प्लॉय हायरिंग दैट इज रिक्रूटमेंट, फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, फॉर कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, फॉर सेफ्टी एंड वेलफेयर फैसिलिटीज. इन सभी चीज़ों के लिए जॉब एनालिसिस एक्चुअली लेड द फाउंडेशन, राइट. तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता, जैसे मान लो आपको कन्फ्यूज कैसे करेगा, आपको कन्फ्यूज करेगा कि ये सब चीज़ें लिखी होंगी और पूछा होगा इन सब के लिए जो फाउंडेशन लेट करेगा वो करेगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, राइट, या जॉब एनालिसिस, या और ऑप्शंस दे दिए होंगे, तो उस टाइम आंसर आपको ये चूज़ करना है. समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं. नो, व्हाट इज़ द प्रोसेस? तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने पढ़ा है कि जॉब एनालिसिस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो, रिक्रूटमेंट हो, सिलेक्शन हो, ट्रेनिंग हो, डेवलपमेंट हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट हो, है ना, वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना हो, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो जॉब एनालिसिस फाउंडेशन की तरह काम करता है, राइट. और जॉब एनालिसिस के लिए किसका रोल था, किसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ? सिविल राइट्स मूवमेंट, जिसमें कि ये कहा गया कि अगर आपको किसी एम्प्लॉय को निकालना है तो उसको वर्क और वर्कर रिलेटेड रीजंस होने चाहिए, ना कि पर्सनल रीजंस होने चाहिए. इसलिए फिर जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाने लगा और ये रीजंस दिए जाने लगे कि दीज आर द रीजंस ड्यू टू विच हम इम्प्लाइज को निकालते हैं. अब इतना अगर क्लियर है तो अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस. इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना है वो यही है कि व्हाट आर द स्टेप्स, और स्टेप्स की अरेंजमेंट, उनका ऑर्डर, ठीक है, कि सबसे पहले कौन सा स्टेप आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, और फिर उसके बाद कौन सा आएगा. जैसे कि प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस में सबसे पहला स्टेप आता है स्ट्रेटेजिक चॉइस, दूसरा है गैदर इन्फॉर्मेशन, तीसरा है प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, दैट इन्फॉर्मेशन, फोर्थ इज जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड फिफ्थ इज जॉब स्पेसिफिकेशन. जैसे कि पहला है स्ट्रेटेजिक चॉइस, ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि आपकी एक ऑफलाइन अकेडमी है ना, आप पढ़ाते हो एंड यू हैव अ ऑफलाइन एकेडमी. नो, यू वांट कि मैं इस ऑफलाइन एकेडमी को ऑनलाइन एकेडमी में भी कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है. उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको पूरा एक टेक डिपार्टमेंट चाहिए, एक टेक टीम चाहिए, ठीक है. तो स्ट्रेटेजिक चॉइस, तो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि सबसे पहला स्टेप क्या है, योर स्ट्रेटेजी, आपके बिजनेस, आपकी कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है. तो मेरी कंपनी की यहाँ स्ट्रेटजी क्या है कि मुझे अब ऑफलाइन बिजनेस से ऑनलाइन बिजनेस में जाना है इन टीचिंग और इन एजुकेशन, ठीक है. उससे रिलेटेड आप क्या करोगे? इन्फॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करोगे. दैट मींस कि हमें इतना पता है कि अगर हमें ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट करनी है तो हमें एक टेक टीम चाहिए. टेक टीम चाहिए तो हमें टेक टीम के लिए किस तरह के एक्सपीरियंस वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कि कितना हमें बजट चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कलेक्ट करोगे कि कौन वेबसाइट बनाएगा, कौन ऐप बनाएगा, उस ऐप को बनाने के लिए कॉस्ट क्या आएगी, राइट, कितने लोग हमें रखने पड़ेंगे उसके लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें. तो इससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करोगे. देन यू विल प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन. जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई है ना, आप जो भी आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, चाहे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं या टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं या और भी कंस्ट्रेंट्स हैं, वो आप जो है वो देख के फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास कलेक्टेड है उसको आप प्रोसेस करोगे और एक फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आओगे. देन फिर आप जॉब डिस्क्रिप्शन डिसाइड करोगे कि हाँ ठीक है, हम जो अपनी टेक टीम बनाएंगे उसमें जो सीनियर मोस्ट पर्सन होगा उसका जॉब टाइटल ये रहेगा, उसको ये ड्यूटीज परफॉर्म करनी है उसकी, ठीक है. तो ये सब चीज़ें आप जॉब डिस्क्रिप्शन में देन डिसाइड करोगे. एंड फाइनली देन जॉब स्पेसिफिकेशन, फिर आप नोटिफिकेशन निकालोगे या फिर आप ये डिसाइड करोगे कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें इस तरह के एक्सपीरियंस्ड पर्सनल की ज़रूरत पड़ेगी. दैट इज़ योर जॉब एनालिसिस प्रोसेस. तो समझ में आ गया? बहुत ईजी है. सबसे पहला स्टेप ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी से स्टार्ट होता है, देन आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो, एंड देन यू जस्ट डिस्क्राइब दैट जॉब, है ना, और उसका आप नामकरण करते हो, एंड देन फाइनली यू डिसाइड द रिक्वायर्ड स्किल्स टू परफॉर्म दैट जॉब. अगर इतना क्लियर है तो आगे चलते हैं, ठीक है. ये प्रोसेस है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग जॉब डाटा, अभी हमने पढ़ा कि गैदर इन्फॉर्मेशन करनी है, कैसे करनी है,
नाउ दिस इज द क्वेश्चन. इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो, बाकी ऑनलाइन अकेडमीज में जाके ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस तरह वो ऑपरेट हो रही हैं. आप इंटरव्यूज पूछ सकते हो, आप क्वेश्चनियर भरवा सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से डाटा ले सकते हो, आप डायरी मेथड, कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करवा सकते हो, चेकलिस्ट मेथड, ऑलरेडी स्टेटमेंट क्वेश्चंस आपने बनाए हैं, जस्ट यू नीड टू मार्क टिक इन दोज क्वेश्चंस एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. तो ठीक है, अब एग्जाम के लिए क्या ज़रूरी है. एग्जाम के लिए ये तो हमें समझ में आते हैं कि ये डिफरेंट मेथड्स है हमारे लिए जो एग्जाम के हैं, ये क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ जॉब एनालिसिस. तो इसमें हम तीन डिफरेंट क्वांटिटेटिव जॉब एनालिसिस टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनके थ्रू हम ये डिसाइड करेंगे कि इस जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी और इस पर्टिकुलर जॉब की जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होगी. तो हमारे लिए ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर इम्पॉर्टेंट, जिसमें कि जैसे कि मैंने कहा, इसमें हम तीन पॉपुलर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ जॉब एनालिसिस पढ़ेंगे. सबसे पहली है पोजिशन एनालिसिस क्वेश्चनियर, दैट इज पैक. दूसरी है मैनेजमेंट पोजिशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनियर, दैट इज MPDQ. एंड द थर्ड वन इज फंक्शनल जॉब एनालिसिस, दैट इज FJA. तो कहानी समझ में आ गई. पहला क्वेश्चन आपको यही पूछेगा, आपको ये लिखी होगी स्टेटमेंट, एक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ईयर इस पर्टिकुलर टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होगा, और दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा होगा इट इज़ अ क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ जॉब एनालिसिस. द आंसर विल बी रॉन्ग, इट इज दिस ऑल आर द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ जॉब एनालिसिस. क्यों क्वांटिटेटिव है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा. यहाँ तक कहानी क्लियर है, आगे चलें. ओके, सबसे पहले पोजिशन एनालिसिस क्वेश्चन ईयर, हु गेव दिस क्वेश्चन ईयर, द आंसर इज McCormick इन 1972. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब ये जो पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन ईयर है, इसमें आप किस तरह की इम्प्लाइज एक्टिविटीज रहेंगी किसी पर्टिकुलर जॉब पे, उसके बेसिस के ऊपर आप जॉब को एनालाइज करोगे. ठीक है, तो बेसिकली इसके पास ऑल, देखो इट इज अ हाईली स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट. इस तरह समझ लो कि ये क्वेश्चन ईयर है. ठीक है, क्वेश्चन ईयर मतलब क्वेश्चंस, आइटम्स, स्टेटमेंट्स. इसमें कितनी स्टेटमेंट्स हैं, 194 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, और ये जो 194 क्वेश्चंस हैं, ये सिक्स कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. ये कौन सी हैं अभी हम देख लेंगे. ठीक है, तो किस कोई भी पर्टिकुलर, आप इन इंस्ट्रूमेंट से किसी भी जॉब को एनालाइज कर सकते हैं. This is the speciality of these questionnaires, that the primary advantage of this pack is that it can be used to analyze almost every job. ठीक है, और इसमें 194 जॉब एलिमेंट्स होते हैं, जिनको कि सिक्स जनरल कैटेगरीज में ग्रुप किया गया है इन 194 एक्टिविटीज को. तो आपको ध्यान में क्या रखना है, पहली बात इट इज़ अ क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ जॉब एनालिसिस, दूसरा ये किसने दी थी, दिस वॉज गिवन बाय McCormick इन 1972. थर्ड क्वेश्चन, इसमें आप 194 जॉब एलिमेंट्स या क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स पूछते हो, जिनको कि फर्दर सिक्स कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन उठता है कि ये सिक्स कैटेगरीज कौन सी हैं पोजिशन एनालिसिस क्वेश्चन ईयर की. तो पहली है इंफॉर्मेशन इनपुट, दूसरी है मेंटल प्रोसेस, तीसरी है वर्क आउटपुट, फोर्थ है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फिफ्थ है जॉब कॉन्टेक्स्ट, और सिक्स्थ है जॉब रिलेटेड वेरिएबल्स. तो ये जो हमने अभी पढ़ा कि 194 स्टेटमेंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं या जॉब एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब इन पर्टिकुलर डोमेन्स में क्लासिफाइड है, डिवाइडेड है. ठीक है, यहाँ भी समझ में आ गए. अब क्वेश्चन उठता है कि इसको याद कैसे रखें. तो इसको याद रखने के लिए एक आप तरीका अपना सकते हो. ये एक लाइन याद रख लो, इसके साथ आप इसका फर्स्ट लेटर से इन सभी सिक्स कैटेगरीज को याद रख सकते हो. जैसे कि लाइन क्या है, माय जॉब रिक्वायर्स विजडम इंटेलिजेंस एंड जजमेंट, एम से मेंटल प्रोसेसेस, जे से जॉब कॉन्टेक्स्ट, आर से रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डब्ल्यू से वर्क आउटपुट, आई से इंफॉर्मेशन इनपुट, और अगेन जे से जॉब रिलेटेड वेरिएबल्स. सो माई जॉब रिक्वायर्स विजडम इंटेलिजेंस एंड जजमेंट. आप इस स्टेटमेंट के फर्स्ट लेटर्स के साथ
इन पर्टिकुलर सिक्स कैटेगरीज ऑफ पोजिशन एनालिसिस क्वेश्चन ईयर्स को याद रख सकते हो। अगर यहां तक क्लियर है तो आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास आता है मैनेज। हे गाइस, इफ यू थिंक दैट ये जितना भी कंटेंट आपको करवाया जा रहा है ये आपके लिए यूजफुल है तो आप इसको कंप्लीटली एक्सेस कर सकते हैं। आपको उसके लिए अनस्टॉपेबल एजुकेशन ऐप डाउनलोड करनी है। ये इस तरह का आपको लोगो वहां पे ऐप में देखने को मिलेगा और वहां पे जाके आप इस कंटेंट को कंप्लीटली एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे कंप्लीट आपको नोट्स लेक्चर्स दिए जाएंगे, प्रॉपर वन टू वन मेंटरिंग वहां पे प्रोवाइड की जाती है, पीवाईक्यू एनालिसिस और मॉक क्वेश्चंस भी आपको वहां पे दिए जाएंगे, राइट? तो अगर आपको लगता है कि आप यूजीसी नेट के लिए लेबर लॉज एचआरएम कोड 55 का तैयारी कर रहे हैं तो आप वहां पे ऐप पे जाके इस कोर्स में एनरोल होकर जो है वो कंप्लीटली इस एक्सेस कोर्स को, इस कॉन्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। इसके लिए आपको करना क्या है, ये ऐप डाउनलोड करनी है। वहां पे आपको जैसे कि मैंने कहा कंप्लीट सिलेबस, रिकॉर्डेड लाइव पीवाईक्यू एनालिसिस, डाउट सेशंस, मेंटरिंग विल बी देयर। इन नटशेल यहाँ पे एक बार पढ़ने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की देखने की जरूरत नहीं है। ना आपको कोई बुक्स फॉलो करनी है, ना आपको कहीं से मॉक पेपर लगवाने हैं, ना आपको खुद से कोई पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। हर एक चीज़ जो है वो वहाँ पे आपको करवाई जाएगी, राइट? सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।